हमें सर्वाइव करने के लिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट रहने के लिए हमेशा फ्यूचर को देखते रहना होगा, अपने आप को अपग्रेड करते रहना होगा। अपग्रेडेशन इज जुपिटर। कुछ लोग तो हैं जो गिवन है, कुदरत ने दे दिए कि भाई भोग के आओ, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने कर्म की बदौलत ये राशियों को एक्टिवेट करते हैं। अच्छा, यहाँ एस्ट्रोलॉजर का रोल आता है। तो जब तक ये ट्रायंगल एक्टिवेटेड नहीं होगा, लाख उल्टे लटक के कोई यत्न कर ले, पैसा नहीं कमा पाएगा। योगेश जी, हम लोग बात कर रहे हैं प्लैनेट्स के ऊपर, तो हमारी 9 प्लैनेट्स होती हैं और 9 प्लैनेट्स लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस भी दे सकती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी दे सकती हैं। और मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में कोई ऐसा इंसान होगा जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। कोई ना कोई हर किसी ना किसी प्रॉब्लम से झेल ही रहे। तो आज इस एपिसोड में हम प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम में क्या है? फाइनेंस की। तो मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पूरी लाइफ स्ट्रगल ही करते रहते हैं फाइनेंसिस को लेकर, लेकिन वो अपनी जो उम्मीदें हैं वो पूरी नहीं कर पाते। तो इसके लिए कौन सा प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है? देखिए, आपने जो फाइनेंसिस का सवाल पूछा ना, ये दुनिया में मेजॉरिटी लोगों की समस्या बन रही है जब से कंज्यूमरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि खर्चे कंट्रोल नहीं है और इनकम लिमिटेड है। लेकिन इसमें कौन से लोग हैं जो इसमें सर्वाइव कर जाते हैं और कौन से लोग हैं जो इस ट्रैप में फंस जाते हैं, ये बर्थ चार्ट आसानी से बता देता है। अच्छा, जन्म कुंडली में दो लेयर्स हैं, एक लेयर है राशियां, दूसरी लेयर है प्लैनेट। बर्थ चार्ट में 12 राशियों में से वृष यानी टॉरस राशि, कन्या यानी वर्गो राशि और कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, ये तीन राशियाँ ऐसी हैं जो बर्थ चार्ट में एक दूसरे के साथ इक्वी डिस्टेंट होने की वजह से ट्राइंगल बनाती हैं। ओके, हर मतलब हर बर्थ चार्ट में राशियां भी होती हैं? हाँ, राशियां तो होती हैं ना। नहीं, मतलब हर किसी की तो राशि होती है, लेकिन बर्थ चार्ट? नहीं नहीं नहीं, देखिए बर्थ चार्ट में आपने कभी बर्थ चार्ट देखा होगा ना, उसमें नंबर्स लिखे होते हैं, रैंडम नंबर्स। वो नंबर जो है ना, वो दरअसल राशियां होती हैं। अच्छा, जहाँ पे एक नंबर लिखा होगा वो मेष यानी एरिस होती है। ओके, जहाँ पे दो लिखा होगा वो टॉरस यानी वृष होती है, तीन जेमिनी यानी मिथुन, चार कर्क यानी कैंसर, पांच लियो सिंह, छह वर्गो यानी कन्या, सात तुला यानी लिब्रा, जहां आठ नंबर लिखा होगा वो वृश्चिक होती है स्कॉर्पियो, नौ सेजिटेरियस यानी धनु, और जहां दस लिखा होता है वो होती है मकर यानी कैप्रिकॉन, ग्यारह एक्वेरियस यानी कुंभ, और बारह पाइसेस यानी मीन। अब जो हमारे श्रोता इसको सुन रहे हैं वो पॉज करके कागज पे लिख भी सकते हैं, बिल्कुल लिख, फिर वीडियो को आगे देखना शुरू करें। जी बिल्कुल। तो बर्थ चार्ट में क्या होता है? बर्थ चार्ट ना बड़ा, देखिए अगर बातों को समझना है ना तो आपको टेक्निकलिटी को थोड़ा तो समझना होगा। आप क्रिकेट को तब तक नहीं समझ सकते जब तक आपको विकेट कीपर, बैट्समैन, मिड ऑन मिड ऑफ ना पता हो। किसी भी खेल को एंजॉय करने के लिए उसके थोड़े से रूल पता होने चाहिए। तो जन्म कुंडली में क्या है, राशियां रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। वो अलग कॉन्सेप्ट है, उसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन जिनके भी बर्थ चार्ट में ये तीन जो राशियां है ना, अलग अलग जगह पे बैठी हुई है, कौन सी? वृष, कन्या और मकर, ये आपस में ट्रायंगल बनाती है, इसको मनी ट्रायंगल बोला जाता है। अच्छा, अब कोई इंसान पिछले कर्मों की बदौलत ये ट्रायंगल अच्छे तरीके से लेके इस जन्म में आया, वो शुरू से क्या, जब पैदा हुआ घर के अंदर लहर बहर हो गई, पिता की इनकम बढ़ गई, बच्चे का बचपन अच्छा बीता, खुद करियर में आया तो राजा का बेटा राजा अच्छा ही रहा। हम अपने आसपास आजकल देख रहे हैं कई राजा लोगों के बेटों बेटे की शादी हो रही है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। सही कह रहे हैं आप। हाँ जी, तो इस तरह से कुछ लोग तो हैं जो गिवन है, कुदरत ने दे दिए कि भाई भोग के आओ, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने कर्म की बदौलत ये राशियों को एक्टिवेट करते हैं। अच्छा, यहाँ एस्ट्रोलॉजर का रोल आता है। ओके, वो देखता है, वो पीड़ा को समझता है और फिर देखता है, जो भी एस्ट्रोलॉजर मनी मैटर्स में देखेगा ना वो सबसे पहले इस ट्रायंगल को देखेगा। ट्रेड सीक्रेट आज आपको बता रहा हूँ। अच्छा, तो जब तक ये ट्रायंगल एक्टिवेटेड नहीं होगा, लाख उल्टे लटक के कोई यत्न कर ले, पैसा नहीं कमा पाएगा। ओके, अब इसमें तीनों राशियों का अपना अपना महत्व है। ओके, जो वृष राशि है वो बताती है कितना जोड़ पाओगे। अच्छा, जो कन्या राशि है वो बताती है कि कितना आप अपने कंपिटिटर से ऊपर उठ पाओगे, कर्जा लेना पड़े तो चुका कैसे पाओगे। ओके, ये कन्या राशि बताती है, और मकर राशि बताती है इन सबको करने के लिए कमा कहाँ से पाओगे। अच्छा, ये पता लगे थे कैसे। हाँ, कमा पाओगे, कैसे कमाना है
कंपिटिटर से निपट के आगे कैसे बढ़ना है और फिर जोड़ना कैसे है, ये तीन चीजें हो जाए तो क्या प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। तो ये तीन एट्रीब्यूट हैं जो मैजिक ट्रायंगल बनाते हैं, इसको मैजिक ट्रायंगल बोला जाता है। क्यों? जहां धन है वहां जादू है। सच बात है, आज के टाइम में तो ऐसा ही है। बिल्कुल। और फिर अब ट्रायंगल की बात चली है ना, एक ट्रायंगल होता है उसको मोक्ष त्रिकोण बोला जाता है नॉर्मली। ओके। मोक्ष के मायने क्या है? मोक्ष के मायने है लेट गो। लेट गो। इसको एग्जिट का ट्रायंगल भी बोला जाता है, वो होता है कर्क, वृश्चिक और मीन। अच्छा। यानी कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस, ये ट्रायंगल। अब बर्थ चार्ट में जिसका पैसे का ट्रायंगल हाइपर हो जाए और ये जो लेट गो वाला ट्रायंगल वो नीचे चला जाए, अब वो खूब कमाएगा। ओके। इसका उल्टा हो जाए यानी एग्जिट वाला ट्रायंगल बढ़ जाए तो वो क्या करेगा, जितना कमाता जा रहा है लुटाता जा रहा है। वो कहेगा कि पैसा आने का एक रास्ता, जाने के 11 रास्ते हैं। सैलरी जिस दिन आती है ना 4 दिन के भीतर खत्म हो जाती है, पैसा आते ही उसके जाने के 20 रास्ते तैयार खड़े होते हैं। मेरी तो सुबह होती है, मैं देखता हूँ आज का चेक कैसे पास करवाना है, किसको कहाँ से देना है, उसका जुगाड़ करते ही शाम हो जाती है। ये वो लोग होते हैं। अभी हमने प्लेनेट की बात नहीं की, नहीं करी, राइट? हम लोग ट्रायंगल्स पे हैं अभी, हम राशियों तक हैं, अभी बर्थ चार्ट में प्लेनेट आए ही नहीं। बिल्कुल। आप देखिए मोबाइल में ऐप्स आती हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम डालिए उसमें, किसी भी ऐप में बर्थ चार्ट आ जाएगा। प्लेनेट्स को भूल जाइए। बिल्कुल। देखिए कि आपके बर्थ चार्ट में आपको ये नंबर्स लिखे हुए मिल जाएंगे। जो तो हमारे श्रोता एस्ट्रोलॉजी के ज्ञाता हैं तो उनके लिए तो ये जानकारी होने ही बड़ी रोचक वाली है, क्योंकि अब वो ये ट्रायंगल जोड़ के एकदम से करेंगे धत तेरे की। दिक्कत तो यहाँ पे थी। यहाँ पे दिक्कत थी, राइट? ठीक है। तो ये जो मैजिक ट्रायंगल्स हैं, एग्जिट वाले और इन वाले, ये प्रॉपरली एक्टिवेटेड होने चाहिए। जिनके नहीं एक्टिवेट होते हैं और वो करते भी नहीं है, संघर्ष करते रहे। ये कैसे एक्टिवेट होंगे? ये एस्ट्रोलॉजर का विषय वस्तु। ओके। या आप नहीं कर सकते? ये नहीं, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं कर सकता हूँ, लेकिन रैंडम उपायों से ये नहीं होते, नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी इसमें मैं अभी इसी बातचीत के अंत में कुछ रेमेडीज ऐसी बताने वाला हूँ जो दरअसल तो घर के वास्तु से जुड़ी हुई है। ओके। लेकिन वो एक्टिवेट इस ट्रायंगल को करेंगी। अच्छा, वास्तु और एस्ट्रोलॉजी यहाँ पे हम मैच करने वाले हैं। हाँ जी, वास्तु एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है। ओके। जहाँ पे आप बर्थ चार्ट के उपाय डायरेक्टली नहीं कर सकते वहाँ पे वास्तु हेल्प करेगा। ओके। कुदरत ने प्रोविजन सारी दी हुई है, आपको बस पता होनी चाहिए। ये भी सही है, रास्ते पता होने चाहिए। तो चलिए इस ट्रायंगल के बाद अब प्लैनेट्स पे आते हैं। बर्थ चार्ट में आप तीन ग्रुप मान के चलिए, तीन ग्रुप हैं। पहले ग्रुप में दो रॉयल प्लैनेट्स आते हैं, सूरज और चंद्रमा। ये डायरेक्टली पैसे को डील नहीं करते हैं। सूरज बताएगा क्या कहाँ जाके कमाना चाहिए। अच्छा। या कितना कमाना चाहिए, या आपका कमाने का एपीटाइट कितना है, बस इतना बताएगा। चंद्रमा उस कमाई को फ्लो में रखेगा, इससे ज़्यादा ये पैसे के मामले में डील नहीं करते। फिर दूसरा ग्रुप आता है, उसमें आते हैं गुरु, बुध, शुक्र और साथ में मंगल। ये पैसे के प्लैनेट्स है ना? ये पैसे के प्लैनेट है। मंगल पैसा शुक्र आ गया वहां तो पैसा कमाने की एनर्जी मंगल देगा, पैसा कमाने का ज्ञान गुरु देगा, पैसा कमाने की स्किल्स, टेक्निक्स, जुगाड़, हसलिंग ये बुध देगा, और शुक्र उस पैसे को यूज कैसे करना है वो वाली नॉलेज देगा। ओके। अब किसी के बर्थ चार्ट में गुरु वीक है तो वो इंसान क्या करेगा, खूब सारा पढ़ा लिखा होगा, कहेगा मुझे तो नौकरी नहीं मिल रही, क्योंकि भाई आपके अंदर वो वाली स्किल्स ही नहीं है जो लाला जी को चाहिए हैं। नौकरी क्यों दें आपको? सही बात। खाली सर्टिफिकेट दे के नौकरी नहीं मिलती है। ये तो है। जो किसी को हायर करेगा उसको वो भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये मेरी तरक्की में हेल्पफुल होगा, वो कॉन्फिडेंस एम्प्लॉयर को गुरु देते हैं। आपने कई बार नोट किया होगा हाईली क्वालिफाइड बंदा इंटरव्यू में रह जाता है, कम क्वालिफाइड बंदा अच्छे से सिलेक्ट हो जाता है। क्यों? उसके जुपिटर अच्छे हैं, उसकी बातों में ग्रेविटी है, वो सामने वाले को यकीन दिला पाता है कि मैं आपके लिए इक्वली यूजफुल हूँ। आपको यूजफुल जुपिटर बनाएंगे। जब भी बर्थ चार्ट के जुपिटर खराब होंगे तो मार्केट में से आपके आपकी सेवाओं के खरीदार खत्म हो जाएंगे। ओके। तब आप लोगों के लिए उपयोगी नहीं रहोगे। अच्छा। अमीर कौन बनता है? जो उपयोगी हो। उपयोगी हो, चाहे वो व्यापारी है चाहे वो नौकरी में है। उपयोगी जब तक रहेगा नौकरी टिकी रहेगी, उसका उपयोग खत्म होगा अगले दिन नमस्ते बोल दी जाएगी। बिल्कुल। और व्यापार में भी व्यापार तब तक चलेगा जब तक उसकी सेवाएं, उसका प्रोडक्ट लोगों के लिए उपयोगी है। जिसने देखिए, एक बड़ी रियल एग्जांपल है, कंपनी जो फिल्म रील्स बनाती थी
डिजिटल कैमरा आने के बाद झट से बंद हो गई। राइट, क्यों? जुपिटर वीक की निशानी, वो ज्ञान ही नहीं था जो आने वाले समय को भांप पाए। भांप पाए, सही बात। नहीं इम्प्रोवाइज किया, उपयोगिता खत्म हो गई, निकल गए। निकल गए, राइट। अब मार्केट में आप हो, हम हैं, हमें सर्वाइव करने के लिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट रहने के लिए हमेशा फ्यूचर को देखने रहना होगा, अपने आप को अपग्रेड करते रहना होगा। अपग्रेडेशन इज जुपिटर। ओके, तो जुपिटर बहुत ज़रूरी है फाइनेंशियली सफिशिएंट रहने के लिए, और बुध ज़रूरी हैं क्योंकि वो बुद्धि देते हैं जो आपको इन चीज़ों को समझने में आपकी सहायता करती है, इसलिए ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। राइट, तो आपके फाइनेंसेस बहुत इन सारे प्लैनेट्स पर डिपेंड करते हैं। अगर आपके फाइनेंसेस नहीं सही हैं तो आपको अपना चार्ट चेक करवाना चाहिए, ये इशू ज़रूर आएंगे। बिल्कुल, आपके पास बहुत ज्ञान है, ज्ञान बहुत है, पढ़े भी बहुत हो, लेकिन काम करना चाह ही नहीं रहे हो, मंगल खराब है। ऐसे बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो बिल्कुल कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी तब काम करेंगे, कुछ अच्छा मिलेगा तो ही करेंगे, छोटी मोटी काम नहीं करेंगे। और तीसरे ग्रुप में आते हैं शनि राहु केतु। इसमें ये शनि राहु केतु जब तो अच्छे हो जाए तो ये क्या करते हैं, रातों रात अमीर बनाते हैं इंसान को, फिर लंबा नहीं चलने देते, रातों रात अमीर। लेकिन जब खराब हो जाए तो ये इंसान को रोक के रखते हैं। राहु भ्रम देगा, शनि आलस देगा, और केतु गलत डिसीजन या डिटैच कर देगा। ओके, तो ये फाइनेंसिस में देखिए यही घटक होते हैं खराब होने में। तो इस तरह से पहली लेयर थी मैजिक ट्रायंगल्स और दूसरी लेयर है प्लैनेट्स, ये इस तरह से लाइफ में असर करते हैं। तो हमने फाइनेंसिस की बात करी और आई थिंक व्यूअर्स को समझ आया होगा कि अगर प्रॉब्लम चल रही है तो कहाँ से रूट कहाँ है उसका। तो अभी हम दूसरी प्रॉब्लम पे जाते हैं जिसको मेरे को लगता है उससे भी बहुत सारे लोग आज के टाइम पे परेशान है, वो है रिलेशनशिप इशू। वो चाहे मैरिड लाइफ में हो या फिर बिफोर मैरिज की रिलेशनशिप्स हो या फैमिली के रिलेशनशिप्स हो, आजकल हर किसी के साथ प्रॉब्लम चल रही है। तो ये भी क्या आपको लगता है कि चार्ट का इशू है? ये चार्ट का बहुत बड़ा इशू है। अच्छा, इसमें भी दो घटक हैं, इसमें भी दो लेवल हैं। जैसे बैंकिंग में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होती है ना, तो कुंडली मिलाने से पहले भी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन चेक करनी चाहिए। लोग केवल कुंडली में गुण मिलान तक रह जाते हैं जो किसी भी फैक्टर में नहीं आता है। अच्छा, ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है? फिजिकल कंपेटेबिलिटी एंड इंटेलेक्चुअल कंपेटेबिलिटी। ओके, ये दो चीज़ें, और तीसरा घटक भी इसमें है, फाइनेंशियल कंपेटेबिलिटी। फाइनेंशियल कंपेटेबिलिटी। अब इसमें क्या है कि रिलेशन खराब होने में सबसे पहला घटक होता है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस। यस, ये उनके होते हैं जिनके चार्ट में शुक्र और केतु खराब होते हैं। ओके, केतु फिजिकल इलिसिट रिलेशंस की तरफ लेके जाते हैं, शुक्र इंसान को लॉयल नहीं रहने देते, इंटीग्रिटी खराब करते हैं। अच्छा, तो बर्थ चार्ट में दोनों के शुक्र और केतु सही से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। ओके, तो फिर ऐसी चीजें नहीं होंगी। फिर दूसरे लेवल पे मैरिज खराब होने के पीछे आता है दोनों का थॉट प्रोसेस नहीं मिला, रिलेशन कहीं पे और नहीं थे लेकिन आपस में विचार नहीं मिल पाए, तो उस हिसाब से दोनों के जो चंद्रमा है थॉट प्रोसेस ये भी मैच करने हैं। ओके, कि दोनों जो हैं ये एक जैसी या एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री सोच के मालिक हैं। एक इंसान की सोच है बहुत अग्रेसिव चलने की और दूसरे इंसान की सोच है हर चीज़ में डर के चलने की, टोका टाकी करने की, नहीं निभेगी दोनों की। एक इंसान, अब यहाँ पे बात थोड़ी लंबी खिंच जाएगी लेकिन यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी की मैच मेकिंग में पंच तत्वों का ज्ञान होना बड़ा ज़रूरी है। कभी अगला हमारा कोई भी एक जो होगा एपिसोड उसमें हम पंच तत्वों की बात करेंगे। ओके, और उसको एक बार समझ लिया तो 100% ना केवल मैरिड लाइफ, जीवन के हर फील्ड में होने वाली पेन के बारे में समझ आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो चलिए मैं इसी पे दोबारा आता हूँ। तो इसमें तीसरा घटक जो होता है फाइनेंशियल कंपेटेबिलिटी। ओके, अब क्या है, फाइनेंशियल जो टेंशन होती है वो घर में आके लड़ाइयों का शेप लेती है। इंसान जो है वो चिढ़ा हुआ आता है फाइनेंसेस की वजह से और गुस्सा निकलता है रिलेशंस पे। तो कई बार क्या होता है कि दोनों पार्टनर्स में से किसी एक की कुंडली फाइनेंसेस के लिहाज से, जो मैंने ट्राइंगल्स की बात की थी, बड़ी खराब होती है। ओके, वो जब भी अलायंस होता है ना तो एक दूसरे की कुंडलियां प्रभावित होती हैं। अच्छा, तो बहुत खराब फाइनेंसेस वाला बहुत अच्छे फाइनेंसेस वाले के साथ मिलेगा तो फाइनेंसेस लो जाएंगे। अच्छा, और वो लो फाइनेंसेस भी रिलेशनशिप ब्रेकेज का कारण बनते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत अच्छी फाइनेंसेस वाला जब लो से मिलता है तो लो वाले के फाइनेंसेस अच्छे हो जाए? लो वाले के थोड़े अच्छे होंगे लेकिन हाई वाले के नीचे तो आएंगे, वो फ्रस्ट्रेशन लेके आएंगे। ओके, तो इस केस में क्या है, एस्ट्रोलॉजर मना करने की बजाय जिसके खराब फाइनेंसिस है उसको सही करवाए, एक्टिवेट करवाए, जो कि आसानी से हो जाते हैं, तो वो शादी चल जाती है। अच्छा, तो शादी में इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे,
तो शादी 100% चलेगी। ओके, तो मतलब यहाँ पर भी वो ट्रायंगल का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल आ जाता है। तो आपने स्टार्टिंग में बोला था कि आप कुछ रेमेडीज बताएंगे, तो हम उस रेमेडीज पे बात करते हैं। कुछ आप वास्तु और एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज जी बिल्कुल। देखिए एस्ट्रोलॉजी की रेमेडी टिपिकली चार्ट देखने के बाद, लेकिन हमेशा अगर आप धन की प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं ना, तो घर का जो नॉर्थ वेस्ट है वहाँ पे आपको क्या करना है कि भगवान शंकर की एक फ़ोटो जिसमें उनके माथे पे चंद्रमा और गंगा जी विराजमान हो, ये ज़रूर रखिए। अच्छा, इन केस वो नहीं रखी जा सकती है तो घर के नॉर्थ वेस्ट में 7 दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर लगाइए। नॉर्थ वेस्ट में? हाँ जी, ये एरिया चंद्रमा का एरिया है, घोड़े चंद्रमा का रूप है, सफ़ेद घोड़े। तो हमने क्या किया, चंद्रमा को पॉजिटिवली कुंडली में इंस्टॉल कर दिया। ओके, धन का फ्लो बना रहेगा। ओके, चंद्रमा के ईस्ट भगवान शिव हैं, चंद्रमा के साथ भगवान शिव लगेंगे, दोनों नहीं लगानी है, कोई एक चीज लगानी है, उससे आपकी लाइफ में ये चीजें जो हैं सही से एक्टिवेट होती हैं। ओके, तो क्या ऐसा होता है क्या, मतलब कि किसी ने जानबूझ के नहीं, मतलब किसी को पता ही नहीं है और उसने अपने घर में ये चीजें कर रखी है और उसको उसी से ही फायदा हो रहा है? डेफिनेटली, जाने अनजाने में भगवान भोले लोगों को ही तो मिलते हैं। ये भी बात सही है, और शिव जी तो वैसे भी बिल्कुल भोले भंडारी कहे गए। राइट राइट। तो इसी कड़ी में अगला उपाय है कि घर का जो उत्तर दिशा है ना, कंपास से बिल्कुल 360 डिग्री जहाँ पे आता है वहाँ पे बिल्कुल सीध में जाके वहाँ पे एक गुल्लक रख दीजिए। अच्छा, उस गुल्लक में कॉइन रोज डालते रहिए। ओके, नहीं तो कुबेर महाराज की कोई तस्वीर रख दीजिए। अच्छा, सब कुछ नहीं रखना, घर म्यूजियम बन जाएगा। कोई एक चीज। ओके, और तीसरे घर का जो वेस्ट है वहां पे यहाँ तो भगवान लक्ष्मी नारायण की तस्वीर रख दीजिए गोल्डन फ्रेम में। नहीं पॉसिबल है ना, वहां पे ऊंट का कोई एक अच्छी सीनरी या कोई क्राफ्ट लगा दीजिए। अच्छा, अब इन चीजों में जाएंगे और समझ आएगा कि क्यों लगाए, हाउ दे वर्क। चलिए फटाफट बताता हूं। हमारा सब कॉन्शियस माइंड ऑब्जेक्ट्स को पकड़ता है, उनसे संवाद करता है और अकॉर्डिंगली हमारी किस्मत को चेंज करता है। जिस एरिया में धन आना चाहिए वहां पे गुल्लक। ओके, जो एरिया हमारा प्रोविजन लाइफ में कॉन्टिन्यूटी को बताता है वहां पे कॉन्टिन्यूटी के देवता है भगवान विष्णु। ओके, और धन की देवी है लक्ष्मी। लक्ष्मी हमने वहां पे वो रखे, और नहीं तो वहां पे हमने कैमल रखा। कैमल मंगल का सिंबल है, वहां पे उस एरिया में मंगल रहेंगे तो जीवन में कॉन्टिन्यूटी आएगी। और चंद्रमा का मैंने आपको बता ही दिया, तो इनडायरेक्टली हम प्लैनेट्स को पॉजिटिवली एक्टिवेट कर रहे हैं, जिससे खराब प्लैनेट भी थोड़ा सप्रेस होते हैं और अच्छे प्लैनेट अच्छे जाते हैं। मतलब मुझे लगता है कि हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्यूशंस बहुत सारे हैं, समझने की बात है बस, एक सही इंसान बिना वहम में जाए और बिना चीजों को उलझाए हुए। बहुत इजी है चीजें, लाइफ आप अपने आप सॉर्ट कर सकते हो अपनी लाइफ को। तो इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।